अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है और इस दुआ के साथ के अल्लाह ताला हमें तमाम तर रहमतें जो हैं वो समेटने की तौफीक अता फरमाए। और वीलॉग स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत सारे दिन हो गए मैं यूट्यूब से जो है वो ऑफ़ रही, नहीं है कुछ भी अपलोड कर सकी, तो मैंने कहा चलें जी शुरू करते हैं दोबारा से यूट्यूब का सफ़र और देखते हैं कहाँ तक ये लेके जाते हैं। आज का भी लोग जो मैं बना रही हूँ वो है जी किड शॉपिंग। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है, ईद की तैयारियाँ भी साथ साथ चल रही हैं, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूवर्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, बच्चों की जो है वो शॉपिंग शेयर की जाए, जो मैंने ख़रीदारी कर ली है और कुछ करनी बाकी है इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। चलें जी चलते हैं जी हम शॉपिंग की तरफ। सबसे पहले मैं आपको अपनी बेटी का जी लहंगा दिखा रही हूँ। ये लहंगा और चोली मैंने बाई किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाज़ार में लग रहा था तो मैंने कहा चलो इसको ख़रीद लेते हैं। ये जितनी भी शॉपिंग है हमने अपने नियर बाई एरिया से की है। सिटी का नाम हज़रों है और आप इसका स्टफ़ चेक कर सकते हैं कि ये नेट पे बना हुआ है और ऊपर सारा गोटा वर्क किया हुआ है। गोटा वर्क यानी वो मशीन से जो गोटा डोरी लगाई जाती है वो जाती है, और बहुत सारी जो है वो कलियों वाला ये लहंगा था। नेक्स्ट ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ जी वो है जी टी शर्ट पेंट शर्ट। मैंने कहा चलो बच्चों ने स्कूल भी जाना है तो वहाँ का स्कूल वालों का ये है कि आपने जो है वो कपड़े पहन के आने हैं दूसरे, यानी सीधे आम कपड़े घर वाले जो होते हैं जिनको आपका यूनिफॉर्म नहीं पहन के आना, तो मैंने कहा चलो साथ वो भी शॉपिंग कर लेते हैं और साथ ईद की भी शॉपिंग हो जाएगी, बच्चे स्कूल भी पहन जाएंगे। इस तरह मैंने एक वो पहले ग्रीन वाला पेंट शर्ट लिया और साथ में मैंने जो है एक एक्स्ट्रा शर्ट रेड कलर की ले ली। या ये वाले मुझे जो मिली 500 की रेड वाली शर्ट मिली और जो ग्रीन था ग्रीन पेंट ट्राउज़र जो है वो 850 का मुझे पेयर मिला, यानी पेंट भी और शर्ट भी। अच्छा अगला सूट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा और गेंजा पे है और ये मारियाबी का रेप्लिका बना हुआ है। बच्चों के ड्रेसेस पे डिज़ाइन मारियाबी का बनाया गया, ये बड़ा हिट कोट चला था, बड़ों में भी आया था और छोटों में भी अब आ गया है। देखें इसकी कितनी जो है वो एम्ब्रॉयडरी की हुई है, वो कितनी नफीस की हुई है और प्राइस आप देख सकते हैं कि इसकी 1800 है। अब थोड़ा महंगा था पर पता आजकल ईद भी चल रही है और महंगाई भी इतनी हो गई है कि बच्चों के कपड़े के या बड़ों के कपड़े भी सबका एक ही रेट चल रहा है, चाहे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए तकरीबन सभी एक एक प्राइसेस चल रही है। इस पे देखें ऊपर स्टोन वर्क भी किया हुआ था, मोती भी लगाए हुए थे और मशीन की एम्ब्रॉयडरी भी थी और इसके साथ इसका बहुत ही प्यारा गरारा था। गरारा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बेहद हसीन था। ये चेक करें जी इसका कह लें सिल्क टाइप का गरारे का जो है वो ऊपर वाला हिस्सा था और बाकी ये इस कपड़े का तो मुझे नाम ही नहीं आ रहा आपको क्या बताऊँ तो, लेकिन ये बहुत ही शाइनी वाला जो लगा हुआ कपड़ा बहुत ही ज़बरदस्त था। इस तरह मैंने अपने एक बेटे जो कि तकरीबन 3 साल का है उसके लिए एक ही ड्रेस ख़रीदा। मैंने कहा चलो बाकी ऑनलाइन बाद में देख लूँगी क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो ये एक तो एक शर्ट ले ली उसके और एक पेंट सूट ऐसे मैंने ले लिया। ये भी तकरीबन 800 का मुझे मिला, उधर से ही चौधरी बोतीक हज़रों से ही मैंने ख़रीदा था। तो ये आसान में इसकी एक बाबा शर्ट मैंने एक्स्ट्रा ले ली, मैंने कहा कि बहुत सारी पेंटें हैं तो चलो एक एक्स्ट्रा शर्ट इस तरह ले लेते हैं, तो ये भी इस तरह वो ईद पे पहन लेगा। अच्छा ये हो गई जी सारी शॉपिंग कपड़ों की। अब आपको मैं एक देसी स्टाइल दिखाती हूँ। मुझे वहाँ बाज़ार में ये पंखे बहुत ही प्यारे लग रहे थे तो मैंने कहा चलो दो पेयर इनके ले लेते हैं। ये देखें जी ये पहले पहले बहुत ज़्यादा विलेज स्टाइल में होता था कि जब कोई शादी वगैरह होती थी तो ये पंखे जेस में एज अ गिफ्ट के तौर पे दिए जाते थे, तो मैंने कहा चलो ये एज अ डेकोरेशन पीस और हमारा जो पंजाबी कल्चर है उसको शो करता है तो ये वाले ख़रीद लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है अच्छे मिल रहे हैं, यानी ये मुझे 500 का पेयर मिला था। चलो ये वाली शॉपिंग भी होगी तो मैंने कहा चलो अब आपके साथ शेयर करते हैं। जो मैंने सैंडल लिए अपने बेबी गर्ल के लिए, मैंने जो सैंडल लिए वो एक ये पिंक कलर का, पिंक या पीच कलर का ये वाला लिया था, तो एक मैंने जो है वो गोल्डन वाला लिया था। तकरीबन ये दोनों मुझे मिले थे 800 के, इसी यानी अच्छे हैं मज़बूत लग रहे हैं। बच्चों की शॉपिंग तो मैंने अभी इतनी ही की है तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये वाला शेयर किए जाए। अपने यूट्यूब को भी काफ़ी दिन हो गए अपडेट नहीं किए तो कर लो। हाँ ये वाइप्स तो मुझे बताने ही भूल गई कि मैंने कहा चलो आए हैं तो ये वाइप्स भी अच्छे मिल रहे हैं। तकरीबन 84 पीस का पैकेट है तो ये मुझे अच्छा मिल गया 200 का। आज का वीलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।